Hello everyone. Now we will start. Question number third. Exercise 1.4. Fill in the blanks. We have to fill the blank given. First part. 369 divided by blank equal 369. Now they are asking by which number we should divide 369. रिजल्ट वी शुड गेट थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाइन अब आप देखिए हमें जो रिजल्ट मिलना है हमेशा आप रिजल्ट को देखिए पहले ठीक है रिजल्ट जो मिलना है और 36 आप ये देखिए सेम नंबर कैसे आएगा जब वन से डिवाइड होगा ये सो वट विलकम वन विलकम कम ऑन बी पार्ट माइनस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई ब्लैंक रिजल्ट माइनस वन हमें माइनस सेवन को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा माइनस वन आना चाहिए पहले आप रिजल्ट को देखिए तो वन किस फॉर्म में आता है जब सेम नंबर थ्री डिवाइडेड बाई थ्री होगा थ्री वन थ्री होगा yes! तो सेम नंबर होते हैं अब आपको चेक करना है कि आपको रिजल्ट में माइनस चाहिए माइनस कैसे आएगा आपका यू you नो know, कि जब अपोजिट साइन होता है तो माइनस आता है यस माइनस माइनस के के साथ साथ फर्स्ट नंबर है इसका मतलब जो आपको इंटीजर लेना है वो आपको प्लस में ले, लेना है तभी तो आपका प्लस माइनस अपोजिट साइन वाला माइनस होगा इट मीन यू है माइनस टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय ब्लैंक

रिजल्ट शुट वी शुड गैट एट्टी सेवन ठीक है हमें रिजल्ट एट्टी सेवन चाहिए तो आपको जब एट्टी सेवन सेम नंबर चाहिए तो यू शुट डिड करेंगे अब हमें साइन देखना है हमें रिजल्ट में साइन क्या चाहिए प्लस चाहिए तो प्लस कब होता है जब सेम साइन होते हैं तो एट्टी सेवन के पास ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो आपको अपने वन के साथ भी माइनस लेना पड़ेगा आपको एट्टी सेवन चाहिए तो आपको सेम एट्टी सेवन कब आएगा वन के साथ किस नंबर से हम किस नंबर को वन से डिवाइड करेंगे एट्टी सेवन को ही? तभी तो आपको एट्टी सेवन आएगा और आपको माइनस चाहिए तो माइनस आपका जब अपोजिट साइन होते हैं तभी तो आपके माइनस आता है रिजल्ट में वन के साथ प्लस साइन है देन यू हैव टू टेक द इंटीजर विच शुड हैव माइनस साइन इट मींस माइनस इट इज सेवन डिवाइडेड बाय वन गिव्स यू माइनस एटी सेवन कम ऑन एफ पार्ट ब्लैंक डिवाइडेड बाय फोर्टी एट इक्वल टू माइनस वन आपको ब्लैंक दे रखा है ब्लैंक को आप, आपको माइनस

आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं यू कैन डू डायरेक्टली यू कैन डू डायरेक्टली अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे आपको प्रॉब्लम आ रही है तब आप सेकेंड मैथड एक्स लगा के भी कर सकते हैं एक्स कैसे लगा सकते हैं जो आपको वैसे नहीं कि है वहां एक्स लगाइए एक्स डिवाइडेड बाय फोर इक्वल टू माइनस थ्री x डिवाइड आप x ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड के साइन को x अपॉन 4 भी लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन 1 आप आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x इंटू वन एक्स इक्वल फोर इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व विल कम इट मीन ब्लैंक में आपका क्या माइनस ट्वेल्व यू कैन डू डायरेक्टली आल्सो यू कैन डू विथ सेकेंड मैथड ऑल्सो यस कम ऑन नेक्स्ट

कि आप जो सेकंड वाला इंटीजर हमने फर्स्ट इंटीजर हमने लिया है फर्स्ट पे माइनस सिक्स टू ठीक है आपको क्या ध्यान रख लेने हैं कि आप जो सेकेंड वाला इंटीजर लें आप पहले वो एनी इंटीजर क्यों नहीं आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं सेकेंड वाला टू अब देखिए टू की डेवल में हमें थ्री चाहिए इट तो मीन्स

ठीक है दो तरीके से हम लिख सकते हैं आप देखिए माइनस सिक्स पेयर आप देखिए माइनस हमने पहले फोर लिया 4, 3 12 होता है इसलिए पे फर्स्ट फर्स्ट क्या आप के साथ भी ले सकते हैं और नहीं तो सेकंड आप अनदर पेयर भी बना सकते हैं देखिए हमने ये बनाया कि हम सेकेंड नंबर यानी कि दो नंबर से टो तो पेयर बन रहे हैं आप देखिए ट्वेल्व और फोर से फर्स्ट पेयर ये आ गया माइनस ट्वेल्व फोर सेकेंड पेयर आपका ये आ गया ट्वेल्व माइनस फोर

एनी पेयर आप कोई भी पेयर ले सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है सेकंड इंटीजर जो लेना है पहले आप सेकंड इंटीजर टीचर लिए फिर उसका थ्री टाइम्स ले लीजिए अंडरस्टूड ओके ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो